नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। सके दोस्तों आप सभी को बताएं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए आवश्यक है कि UPSSSC से आगामी समय PET को लेकर जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसकी बेस्ट बुक आप सभी के सामने लेकर के आ चुके हैं चक्षु, जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के पैटर्न के ऊपर, जिसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है जो कि आगामी 50,000 वैकेंसी का जो रास्ता है वो आपके लिए खोल करके देगी। संपूर्ण गाइड दोस्तों यहाँ पर जारी हो गई है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से जाकर आप सभी भाई कर सकते हैं। साथ में मोबाइल नंबर भी है, उस पर आप लोग कॉल करेंगे वहाँ पर मिल जाएगा। बाहर मार्केट में अगर हम बात करें सभी बुक सेलर पर अवेलेबल है। जो आपका एग्जाम का सिलेबस दिया गया था वो काफी बड़ा था जैसा कि आप सभी को पता है, उसी सिलेबस को लेकर ध्यान में रखते हुए बुक्स तैयार की गई हैं। यहां पर आप इन सभी बुक्स का सैंपल देख सकते हैं जो कि तैयार किए गए एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है, जिसमें आप सभी को संपूर्ण जानकारी के साथ साथ मिलेगा डिटेल एनालिसिस, साथ में क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा व्याख्यात्मक उसका पूरा विश्लेषण, जिससे कि कभी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी भाई करें चक्षु की बेस्ट बुक जो कि तैयार की गई UPSSSC PET के लिए। इस बुक को आप ऑनलाइन जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट ऑफलाइन सभी बुक सेलर पर आपको ये बुक अवेलेबल है। घर बैठे बुक बाय करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे तैसे तो कोई भर्ती देखने के लिए मिलती है, और ऐसे में अगर भर्ती आने के बाद में भर्ती को निरस्त कर दिया जाए या फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाए तो समस्याएं छात्रों के लिए देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से छात्र तैयारी कर रहे थे। अब ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला जब भर्ती निरस्त कर दी गई। वैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है, इतिहास उठा करके देखा जाए चाहे वो पिछले 6 महीने के अंदर हुई हो या फिर 6 साल के अंदर, हर एक भर्ती का पेपर होने से पहले या तो कुछ घंटे पहले लीक हो जाता है या उसके अंदर सॉल्वर बैठ के सॉल्व करके आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं बाद में परीक्षा होने के बाद भी UMR में बदलाव देखने के लिए मिलता है। और भी मतलब क्या क्या होता है वो आप सभी सब कुछ जानते हैं। कोई भी भर्ती उठा करके देख लीजिए, हर एक भर्ती के अंदर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलता है, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, प्रवेश परीक्षा हो, DLED की जैसा कि आप सभी जानते हैं 69,000, 68,500, या फिर कोई भी ऐसी भर्ती देखने के लिए नहीं मिलती है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं होता है, जिसके अंदर सही तरीके से छात्रों का चयन हो पाता हो। लेकिन ऐसे में जब भर्तियाँ निरस्त होती हैं तो बड़े स्तर पर छात्रों को बड़ा नुकसान होता है। BDO भर्ती के लिए बहुत सारे छात्रों ने लगातार धरना प्रदर्शन दिए थे, लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा जो नुकसान देखने के लिए मिलता है वो उन छात्रों के लिए है जो मेहनत करके पास हुए थे और उम्मीद लगा करके बैठे थे कि आगामी समय के अंदर कि उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन सडनली UPSSSC के माध्यम से भर्तियों को निरस्त करने का जो फैसला लिया गया जो कि 2018 में करवाई गई थी, तो कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए बड़ा नुकसानदायक होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा BDO साथ में समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2 साल के बाद में निरस्त कर दी गई है। SID की जांच रिपोर्ट के बाद फैसला देखने के लिए मिला है। इस कहीं ना कहीं फैसले के बाद 9 लाख अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जैसे आप सभी को बताएं कि आगामी समय के अंदर आपकी जो भर्ती की नियुक्ति करवाने का फैसला किया जा रहा था, छात्र धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन ऐसे में 1952 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई गई थी, परीक्षा में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर आयोग ने ये फैसला लिया है। योगी सरकार में पहली बड़ी भर्ती परीक्षाओं इसमें से कई अगर बात करें 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने भाग लिया था। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की बात करें, शोध अधिकारी, सहायक सांख्यिकी या फिर अगर बात करें बंदर अच्छक को लेकर ये भी परीक्षाएं टाल दी गई हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 परीक्षाएं तो यहाँ पर निरस्त कर दी गई हैं 2 साल के बाद, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिला। लेकिन ऐसे में अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी भर्तियाँ हैं जिनको स्थगित भी कर दिया गया है। उसके पीछे रीज़न क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं आप सभी को बताऊँगा। यहाँ पर आप सभी नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे, जिसके बारे में देर रात को आकर मैंने बता दिया था कि बहुत सारी जो भर्तियाँ उनको स्थगित कर दिया गया है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, बहुत सारे छात्र पूछते हुए दिखाई भी दे रहे थे, और क्या दोबारा से जो भर्तियाँ वो नए सिरे से देखने के लिए मिलेंगी। तो रीज़न जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, अगर हम बात करें BDO परीक्षा कराने की जो एजेंसी है वो कहीं ना कहीं उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों का कहना है कि दरअसल समाज कल्याण पर्यवेक्षक साथ में ग्राम विकास अधिकारी के पदों भर्ती के लिए जिस एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी
उसी एजेंसी से अन्य तीन पदों की भर्तियां कराने को लेकर परीक्षा कराने की तैयारी थी। मतलब मामला देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि कोरोना के कारण भर्तियां स्थगित हुई या फिर क्या कारण है या पंचायती चुनाव, लेकिन मामला यहां पे कुछ और ही देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ा जो मामला देखने के लिए मिल रहा है कि जिस एजेंसी के माध्यम से वीडियो भर्ती करवाई गई थी, अब ऐसे में उसमें बड़े स्तर पर कहने की जो धांधली है वो देखने के लिए मिली है, और उसी के माध्यम से तीन अन्य परीक्षाएं करवाने का जो फैसला है वो UPSSSC के माध्यम से देखने के लिए मिला था। अब ऐसे में जब एक भर्ती उनके माध्यम से करवाई गई जिसको अंत में कहीं ना कहीं रद्द करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा है, तो और भी तीन अलग भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं और भी विवाद देखने के लिए मिल सकता है, और हो सकता है कि आगामी समय के अंदर होने वाली इन तीन भर्तियों के अंदर ही बड़ी धांधली देखने के लिए मिले, या फिर कहीं ना कहीं परीक्षा आउट या फिर जो भी हो सकता है। तो ऐसे में जो परीक्षा स्थगित करने का रीज़न देखने के लिए मिल रहा है सबसे बड़ा, वो यहाँ पे उनका कहना है कि परीक्षा स्थगित करने का जो फैसला वो लिया गया है, आयोग अब इसे परीक्षा जिम्मा देने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है, यही वजह है कि परीक्षा स्थगित करने का जो फैसला है वो लिया गया है। अब जो दूसरी एजेंसी होगी वह इन तीनों परीक्षाओं को करवाएगी, तो कहने की सबसे बड़ा जो कारण वो देखने के लिए मिल रहा है कि इन परीक्षाओं को स्थगित करने का है, कि यहाँ सरकार के माध्यम से जिस एजेंसी को चुना गया था, मतलब UPSSSC के माध्यम से, वही यहाँ पे बेवफा निकली है, जिसके माध्यम से कहने की तीन और परीक्षाएं करवानी थी, उसमें भी बंटाधार होने की उम्मीदें थी। अब ऐसे में UPSSSC पहले से विवाद में घिरा रहता है और नहीं घिरना चाहता है, क्योंकि वीडियो भर्ती लाखों सपनों को सपना चूर करती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में आप सभी को बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक भर्ती में बड़े स्तर पर धांधलियां देखने के लिए मिलती हैं। हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी इतने बड़े स्तर की परीक्षा देखने के लिए मिली, उसके अंदर जो टॉपर निकला वो भी फर्जी देखने के लिए मिला। तो ऐसे में कहने की सरकार को सभी परीक्षा एजेंसियों के साथ साथ जहाँ पर परीक्षाएँ करवाई जाती हैं उनमें भी बदलाव होना चाहिए। हर एक भर्ती कहने की आती है, आने के बाद में आप सभी को बताया कि यहाँ पर पेपर वायरल हो जाते हैं। सीटेट परीक्षा देखने के लिए मिली, 4 से 5 दिन तक कहने की समाचार पत्र के अंदर खबरें देखने के लिए मिलती हैं कि पेपर लीक हुआ है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन अंत में कोई फैसला नहीं होता है, जिसके माध्यम से सॉल्वर नकल गैंग के और भी ज्यादा हौसले बढ़ जाते हैं। उसी क्रम में फिलहाल दो भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है। अब नए सिरे से आपको जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी, इसके बारे में अलग से नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी मिलेगी। जैसी कोई जानकारी दी जाएगी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से। साथ ही जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जैसा कि आप सभी को बताया कि अप्रैल और मई में होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सबसे बड़ा जो कारण है वो ये देखने के लिए मिला है कि जिस एजेंसी के माध्यम से परीक्षाएं करवानी थी, कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से वीडियो भर्ती करवाई गई थी। अब ऐसे में उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो लगे हैं, तो इस परीक्षा एजेंसी से परीक्षा नहीं करवाने की वजह से आगामी समय के अंदर नई परीक्षा एजेंसी का चयन होगा, और उससे आपको ये तीनों परीक्षाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसी कोई सूचना होगी आप सभी को दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें, चयन हो जाने से नियुक्ति का अधिकार नहीं है, कोर्ट के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, चयन हो जाने मात्र से नहीं मिलता नियुक्ति का अधिकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें, उनके माध्यम से बताया गया कि चयन हो जाने मात्र से अभ्यर्थी को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने एलटीग्रेड सहायक अध्यापक ऐसी भर्ती साथ में चयनित अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि चयन परिणाम अगर बात करें नियम अनुकूल पदों के सापेक्ष नहीं घोषित किया गया, ऐसे में याचिका को राहत नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने संतोष कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका का प्रतिवाद विपक्षी अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने किया। इनका कहना था कि बोर्ड सहायक अध्यापक अगर बात करें एलटीग्रेड केसी के 62 पद विज्ञापित किए, जिसे बाद में घटाकर 51 कर दिए गए। चयन परिणाम 24 अप्रैल को 17 को घोषित किया जा चुका है। नियम 12 क्लोज 8 की अगर हम बात करें, उनके अनुसार एलटीग्रेड के 25% से अधिक कहीं ना कहीं यहाँ पर होना चाहिए था, बोर्ड ने इस नियम का पालन नहीं किया है, इसे कहीं ना कहीं याचिका के माध्यम से बताया गया। तो ऐसे में मामला देखने के लिए मिला है कि कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि चयनित होने से उसे किस आधार पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता है, ये कहते हुए उनकी जो याचिका है वो खारिज कर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट हो जाती है, कोर्ट के माध्यम से बताया गया है। ये हर एक भर्ती पर बाद में लागू भी कर दिया जाता है, जैसा कि आप सभी देखते हैं। हालांकि अब ऐसे में एलटीग्रेड के अंदर क्या होगा ये निकट भविष्य में आप सभी को बता दिया जाएगा, लेकिन उन छात्रों के लिए झटका है जो यहाँ पर किसी भर्ती में चयनित हुए थे, कॉलेज आवंटित करने की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बात करें, 69,000 के एक और अभ्यर्थियों की यहाँ पे जो मांगे वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले तो थर्ड काउंसलिंग वाले छात्रों के माध्यम से मांगे रखी जा रही थी कि थर्ड काउंसलिंग करवाई जाए,
अब ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से थर्ड काउंसलिंग कराने की जो मांगे हैं वो पूरी कर दी गई हैं, लेकिन छात्र कहने की सीटों की संख्या को लेकर संतुष्ट नहीं है। लेकिन ऐसे में और भी कई छात्र थे जो लगातार धरना प्रदर्शन दिया करते थे अपनी मांगों को लेकर। उसी के क्रम में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, दिव्यांगों का 100 दिनों से चल रहा अनशन खत्म हो गया है। परिषदी विद्यालयों की अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर 100 दिन से चल रहा दिव्यांगों का धरना महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर दिव्यांग अभ्यर्थी दिसंबर महीने से धरना दे रहे थे। उन्होंने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी जो मांगों का निस्तारण है वो हर हाल में किया जाएगा। उन्होंने दिव्यांग के धरने को खत्म करने के लिए कहा कि महानिदेशक से मुलाकात करने वाले धनराज कुमार साथ में और भी अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल रहे। तो ऐसे में उनके माध्यम से बताया गया है कि महानिदेशक के माध्यम से यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो भी इन छात्रों की मांगे हैं उनकी पूरी की जाएंगी और पूरी करने के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इन छात्रों की मांगे आप सभी जानते हैं 4% आरक्षण को लेकर है। साथ में कहीं ना कहीं आप सभी को ये भी कहा गया था कि 68,500 की बची हुई सीटें भी जोड़ी जाएँ, लेकिन अभी इस पर जो फैसला है वो बाद में देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड चयन सूची को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था कि छात्रों के माध्यम से SCERT जाकर लगातार जो प्रयास है वो जारी है। इसके बारे में दोपहर तक आप सभी को और भी बड़ी अपडेटें देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन स्तर पर इसको लेकर एक मुलाकात होने वाली है जो कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी देखने के लिए मिलेगी, है ना। मतलब कि हमारे कुछ छात्र और वहाँ जाने वाले हैं जहाँ से आपको और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन ऐसे में कल और भी छात्र यहाँ मुलाकात करने पहुँचे थे जिनके माध्यम से मुलाकात देखने के लिए मिली। अगर बात करें सीटों के बारे में, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि यहाँ पर सीटों की संख्या हजारों में देखने के लिए मिलेगी। कम से कम अंदाजे अनुमान को देखें तो 8 से 9 हज़ार होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे में जो सीटों की संख्या सरकार के माध्यम से दी गई वह त्रुटिपूर्ण है, जिसमें 4,600 सीटें बताई जा रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों के माध्यम से मांगे रखी गई सरकार के सामने, और सरकार ने यहाँ पर आश्वस्त किया है कि आगामी समय के अंदर सभी सीटों को जोड़कर ही चयन सूची देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अवशेष पदों के अंदर जो जानकारियाँ दी गई हैं वह भी सही तरीके से नहीं है। अगर अनुपस्थित सीटों को ही जोड़ा जाए तो कम से कम उस लिस्ट के अंदर 6-7 हज़ार के आसपास सीटें बचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार ने किस प्रकार यहाँ पे अवशेष पदों की जानकारी दी है ये एक बड़ा विवाद का विषय है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार के कहने की छात्रों के माध्यम सरकार से गुहार लगाई गई और लगातार जो मांगे वो रखी गई कि आगामी समय के अंदर सभी सीटों पे यहाँ पे जो चयन सूची वो जारी की जाए। और ऐसे में शासन प्रशासन के माध्यम से भी छात्रों को आश्वस्त किया गया है कि जो थर्ड चयन सूची जारी की जाएगी वो सभी सीटों को जोड़ते हुए देखने के लिए मिलेगी। तो अच्छी खबर हो जाती है उन सभी छात्रों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में जो भी जानकारी शासन स्तर से निकलती है कि कितनी सीटें रहने की संभावना है, क्या डाटा मिलेगा, क्योंकि अभी तक डाटा दिया गया वो कहने की गलत है। सरकार के पास डाटा आया ये अच्छी बात है, लेकिन गलत आया ये बुरी बात है। उसी को लेकर छात्रों के माध्यम से प्रयास जारी है। RTI के माध्यम से सीटों की संख्या जो मिली थी उस पर भी स्पष्टीकरण देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये है कि सरकार से कहने की गुहार लगाई गई थी छात्रों के माध्यम से कि सभी सीटों पर थर्ड चयन सूची जारी की जाए, इसको लेकर फिलहाल आश्वासन मिला है। काम कितना होगा इसके बारे में इंतजार कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू for watching this video.